हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। पॉलिटी की 1500 प्लस एम सी क्यू सीरीज़ जिहड़ी स्टार्ट कीती है जी, उहदा 17वां पार्ट लैके हाजिर होए हाँ। तो 1000 क्वेश्चन असीं पिछलियां वीडियो दे विच डिस्कस कर चुके हैं। एक ही क्वेश्चन च आपां कई क्वेश्चन डिस्कस कर लैने, इस करके सिर्फ कहण नूं 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, बट 3000 तो ज़्यादा क्वेश्चन असीं इस सीरीज़ दे विच डिस्कस करांगे। जिन्हां ने पहलियां वीडियो नहीं देखियां उह प्लेलिस्ट दे विच जाके पहलियां वीडियो नूं जरूर देखण। पंजाब दे और इंडिया लैवल दे किसी भी एग्जाम की तुसी तैयारी कर रहे हो, सारिआं लई इह वीडियो देखनी लाजमी है, क्योंकि पॉलिटी है जिहड़ी हर एक पेपर का ही हिस्सा है, तो पॉलिटी पूरे भारत लई सेम है, ठीक है जी। चाहे वह तुसी किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन भी तुहानू लिंक मिल जाना, ठीक है जी। और जिहड़े पेपर होके हटे ने पहला, जिवें मास्टर किडर का होया, उहदे च SST दे जिहड़े पेपर ने पुराने भी ते नवें भी अपने सोल्व करके पाए हुए ने, वह भी तुहाडे लई देखने लाजमी है। बेशक तुसी कोई होर एग्जाम दे रहे हो, पर ज़्यादातर क्वेश्चन ने ना जिहड़े एग्जाम वह पेपर सैट करन वाला, तुहानू मैं दस्सिया सी भी इन्नी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, उहने किते ना किते दूजे पेपर जो चक के ट्रांसलेट करके उहनू पाया, दूजे पेपरां दे विच पाउणा हुंदा क्वेश्चन नूं, ठीक है। सो पहलां वाले क्वेश्चन अपने जिहड़े कराए हुए ने, पहलां वाले पेपर होके हटे ने, वह लाजमी देखने ने, क्योंकि इस सीरीज़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन मास्टर ग्रेडर के आए हुए हैं, और मास्टर ग्रेड के भी पॉलिटी के सवाल ने, हिस्टरी के ने, दूजे पेपर के आ सकते हैं, आए भी हुए हैं। पहला वाली सीरीज़ तुम अपनी देख सकते हो, सारिया प्लेलिस्टा बनिया हुई ने, और टैलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन दिता हुआ, उन्होंने जरूर ज्वाइन कर लेना। जो आप टेस्ट वगैरह लेने वो टैलीग्राम ग्रुप के ही लेने, वीडियो अपन पॉलिटी दहलों वाली एक एक घंटे दियां ने, ठीक है। प बट वो आप समझ लो भी 200 तो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एक एक वीडियो के, और 3000 क्वेश्चन की जी सीरीज़ आ अपने आप दे एक मायने रखता, 3000 क्वेश्चन अगर तुसी पढ़ लें, ठीक है जी। क्योंकि इन्ह क्वेश्चन यो क्वेश्चन है जोड़े बार बार आए हुए हैं पंजाब के, तो इंडिया लैवल के पेपर के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ने जोड़े आप सीरीज़ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। इनिया गल्लां तुहाडे नाल करनियां लाजमी सी, हुण आपां चलदे आं 1001 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करदे आं जी। न्याय की अंतरराष्ट्रीय अदालत का मैंबर बनने वाला पहला भारती कौन सी? ईसी जी नागिंदर सिंह। जिहड़े क्वेश्चन आ जी डिटेल च जाना पवेगा जावांगे, ते नहीं आपां जल्दी तो जल्दी क्वेश्चन जिहड़े डिस्कस करांगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का पहला सैशन कदों होया सी? इह होया सी जी 10 जनवरी 1946। हेठां दित्तिआं विच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की दफ्तरी भाषा में शामिल नहीं है? इटालियन नहीं शामिल है जी, ठीक है। इहदा मतलब फ्रेंच शामिल है, अरेबिक शामिल है, स्पेनिश शामिल है, ठीक है जी। इटालियन है जिहड़ा, इह शामिल नहीं है, इहनां नूं शामिल नहीं है पुछिआ, इस करके साडा इटालियन इत्थे राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ दीआं 6 दफ्तरी भाषावां कहिड़ियां ने? क्वेश्चन के बिच एक गल का जवाब पाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ दी दफ्तरी भाषावां ने जिहड़ियां 6 ने, ठीक है जी। वह कड़िया ने? अरबी ते चीनी, अंग्रेजी ते फ्रेंच, रशियन ते स्पेनिश। उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का किहड़ा अंग जां भाग हेग नीदरलैंड दे पीस पैलेस विच कम करता है? किड़ा भाग है जी? न्याय की अंतरराष्ट्रीय अदालत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का इको एक सकत्तर जनरल जिसकी दफ्तर विच काम करने दौरान मौत हुई सी, कौन है जी? ये है जी, सी राइट आंसर है, डिग हैमरस्कजोल्ड। अगला क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग केड़ा है? सुरक्षा परिषद। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, राष्ट्र संघ के निर्माण संबंधी 14 नुक्त्यां का प्रोग्राम किसने दिता सी? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬੁਡਰੋ ਬੈਲਸਨ ਨੇ, ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ,
वर्तमान समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल किन्ने मैंबर हैं? एक सौ 93 मैंबर ने जी। अगला क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर किहड़ा है? चीन भी स्थाई मैंबर है जी, फ्रांस भी, अमरीका भी, प्रोक्त सारे साडा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन्हां विचों किहड़ा सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर नहीं है? इहदे चारे ऑप्शन पढ़ांगे क्योंकि इहदा मतलब तीन तो होणगे ना, एक नहीं है, नहीं है पूछे इन्होंने, इटली नहीं है, ठीक है जी, इंग्लैंड भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है। आप सिर्फ राइट आंसर ही डिस्कस करते होंगे ता कि समा ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है ना, जिदे चारे ऑप्शन पढ़ने की लोड़ होगी आप उस सवाल दारे ऑप्शन पढ़ा। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन बारे सही कथन चुनो, इसका मुख्य दफ्तर जनेवा स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1919 बिल्कुल सही है। ये संयुक्त राष्ट्र की सब तो पहली विशेष एजेंसी है, ये भी सही है जी, उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर है। अगे आ गया जी, सही मिलान करो, एक पासे एजेंसियां दी हुई ने, दूजे पासे उन्हां दे हैडक्वार्टर दिते हुए ने, कितें कितें किहड़ी किहड़ी किहदा हैडक्वार्टर आ उह असीं देख लैने आं। ते फूड एंड खेतीबाड़ी संगठन, ठीक है जी, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन, तो इहदा हैडक्वार्टर कित्थे है? इहदा हैडक्वार्टर रोम दे विच है जी, बी नाल मेल खांदा है। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO शॉर्ट दे विच जिहनूं कहा गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, तो इहदा है जी राइट आंसर, ये जनेवा दे विच है जी, ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वाशिंगटन दे विच है, तो यूनेस्को पैरिस, यूनेस्को का हेड ऑफिस जिहड़ा, जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय जिन्हें भी संगठन ने उन्हों की एक एक्सट्रा वीडियो बनावांगे पूरी डिटेल उन्होंने बारे, ठीक है, कदों बनी, जिन्हें भी उन्होंने तो MCQ बनते हैं वो आप सारे उस डिस्कस करांगे। जिन्हें भी हुण भारत के नवे प्रेजीडेंट चुने गए ने, नवे वाइस प्रेजीडेंट चुने गए ने, पंजाब की नवी कैबिनेट चुनी गई है, उन्होंने सारे की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो इन्हों के नाल संबंधित कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखनी तुसी, क्योंकि इंडिया की कैबिनेट है जिहड़ी मोदी सरकार की, उहदे विच भी थोड़ा चेंज होया, कुछ विभाग मंत्रियों तो लैके दूजे मंत्री दिते गए ने, सेम ही पंजाब दे विच होया, क्योंकि जिहड़ियां पहलां वीडियो तुसी दो तीन महीने पहलां दी देखोगे ना, उन्हां दे विच भगवंत मान जी कोल 27 विभाग दसे हुए ने, तो क्योंकि उदो 27 विभाग, उस तो बाद 5 नवे कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए, उन्होंने कोल विभाग ने जिहड़े बाद विच उन्होंने सौंपे गए, इस करके इन्हां टॉपिक दे नाल संबंधित कोई पुरानी वीडियो नहीं देखनी। डिस्क्रिप्शन च तुहानूं लिंक मिल जाणा, वह वीडियो भी लाजमी देखनी है जिन्होंने हले तक नहीं देखी है, ठीक है जी। करंट अफेयर के भी सवाल उन्हां चों बणदे ने। सो अगला क्वेश्चन है जी, विश्व सेहत संगठन वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन का मुख्य दफ्तर कित्थे है? इहदा मुख्य दफ्तर है जी जनेवा दे विच, जनेवा कित्थे है? स्विट्जरलैंड। अगला कित्थे है क्वेश्चन है जी, हेठ दित्ते विचों किहड़े किहड़े संगठनां दा मुख्य दफ्तर जनेवा दे विच है? विश्व व्यापार संगठन भी जनेवा दे विच है, विश्व सेहत संगठन भी, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन भी, प्रोक्त सारे साडा राइट आंसर बन गया जी, ध्यान नाल इहनां नूं देख लो, इहनां दा मुख्य दफ्तर जनेवा दे विच है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक ते समाजिक परिषद के मैंबरां दी चोण किन्ने समें लई कीती जांदी है? 3 साल दे लई कीती जांदी है। संयुक्त राष्ट्र संघ दे महासकत्तर दी नियुक्ति कौन करदा है? सुरक्षा परिषद दी सिफारिश ते महासभा करदी है। अगला क्वेश्चन है जी, किस देश दे संविधान नूं सारे देशां दी मां संविधान कहा जांदा है? इंपोर्टेंट सवाल है, तो तुहानूं मैं दस्सिया कि आए हुए क्वेश्चन ने, ठीक है ना, पहलां पुछे गए क्वेश्चन ने, किस देश के संविधान को सारे देशों की मां संविधान कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है जी, पहले पेपरों के पूछा भी गया है, इहदा तुसीं राइट आंसर दसोगे तो मैं तुहानूं कमेंट के पिन कर दूंगा, ठीक है ना, टैलीग्राम के भी
अगर इधर कोई मिसटेक भी हो जाती है, कई बार माइनर मिसटेक हो जाती है जो पढ़ाने के दौरान, तो वह भी तुम्हें कमेंट के पिन करके दस दिता जाता। और जोड़े टैलीग्राम के बच्चे जुड़े हुए ने उन्होंने टैलीग्राम के भी दस दिता जाता, जेडे आप इधर सवाल पूछते हैं उन्होंने जवाब भी तुम्हें टैलीग्राम के दते जाते हैं। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम दसोंगे क्वेश्चन नंबर पा के, इस तरह पा के पॉइंट ला के ए बी सी जो भी थोड़ा राइट आंसर बनता है वह तुम दसोंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के किहड़े अंग नूं संयुक्त राष्ट्र संघ की विधान पालिका जां संसद कहा जाता है, महासभा नूं कहा जाता है जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किहदे नाल है जी, संविधानक सोध दे नाल। अगर संविधान दे विच कोई सोध करनी है तो आर्टिकल 368 दे तहत की जाऊगी। आर्टिकलों के संबंधित भी इंपोर्टेंट वीडियो तुहानू मिल जाएगी। ठीक है जी। जल्दी आपां वो वीडियो अपलोड करन जा रहे हैं जिहड़े जिन्हें भी इंपोर्टेंट आर्टिकल ने। आर्टिकल हर एक पेपर विच आर्टिकल दो सवाल बनता ही बनता है। दल रहित लोकतंत्र नूं अपनाउण दा सिद्धांत किसने दिता, जय प्रकाश नारायण ने दिता सी। अगला क्वेश्चन है जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है,